हैं, आप सब जानते हैं कि वाटर स्कैसिटी पाकिस्तान के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। आपका पूरा केस इंडिया के खिलाफ क्या है कि वो आपको पानी रोक रहे हैं। टेक्निकलिटी की बुनियाद पर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के आए। वाटर स्कैसिटी इज नॉट जस्ट एन इशू ऑफ सिंध, इट इज एन इशू ऑफ पंजाब, इट इज एन इशू ऑफ साउथ पंजाब, अभी भी इस्लामाबाद में भी वो पानी के लिए तरस रहे हैं। 2025 में हमारे पास पानी नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज में आपके साथ आज शेयर करूंगी पानी के मामले को लेकर, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी कितनी गैर संजीदगी है पानी के मसले को लेकर। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तान के अवाम इस इशू के ऊपर अपडेटेड नहीं है। सबसे पहले सिंध तास मुआहिदा, हम रोज सुन रहे हैं कि भारत डैम्स पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान डैम्स नहीं बना रहा क्योंकि हम अपना पानी स्टोर ही नहीं करते, और भारत ये जवाब देता है कि जी वो पानी तो जाया ही हो जाना है, क्यों ना हम उसके ऊपर डैम्स बना लें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, जिसमें यह बात वाज हो जाती है कि भारत के साथ इस इशू को कानूनी तौर पर टेकअप ना करने में खुद पाकिस्तानी हुकाम मुलविस हैं। फॉर्मर इंडस वाटर कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, वो इसके अंदर मुलविस हैं। जान बूझ कर ताखीरी हरबे डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए गए ताकि कानूनी तौर पर इस केस को ना लड़ा जाए। एक वर्ल्ड बैंक को लेटर बार बार लिख दिया जाता है कि जी भारत डैम बना रहा है, और वर्ल्ड बैंक पहले ही से ये कह चुका है कि सालसी के लिए हम मौजूद नहीं है, ये आपसी आप दोनों का मामला है, मिल बैठकर इसको हल करें। लेकिन हेडलाइंस में रहने के लिए हम बार बार वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखे जाते हैं, जबकि कानूनी महाज हम नहीं इख्तियार करते। उसकी वजह ये है कि हमारे जो इसमें अफसरान हैं वो खुद इसके अंदर मुलविस हैं। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से भारत को खुली छुट्टी देने में पाकिस्तानी हुकाम मुलविस हैं।